उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में पेड़ से लटकी दो सहेलियों की लाश की घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जहां इसे खुदकुशी की घटना बता रही है, तो वहीं परिजन अपनी बेटियों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और अब इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में तो इंसाफ की उम्मीद भी गुनाह है। तो अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी के एक डेलीगेशन को फरुखाबाद भेज रहे हैं। पेड़ से लटककर दो लड़कियों की मौत की घटना सामने आई थी और फरुखाबाद में जब से ये घटना सामने आई है उसके बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। परिवार का ये कहना है कि बेटियों ने सुसाइड नहीं किया है जबकि किसी ने उनकी हत्या की है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, तेज कर दी है। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के भगवतीपुर में सोमवार को जन्माष्टमी के दिन दो सहेलियां मंदिर गई थी। दोनों देर रात तक घर नहीं लौटी। घर वालों ने दोनों की खोजबीन शुरू की तो गांव के बाहर एक पेड़ से चुन्नी से दोनों के लटके हुए शव मिले। पुलिस ने दोनों के शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में दम घुटने से दोनों लड़कियों की मौत की बात सामने आई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से इसे आत्महत्या करार दे रही है जबकि परिजनों का यह कहना है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ने आत्महत्या नहीं की, दोनों की हत्या की गई। उनका यह भी कहना है कि शरीर पर चोट के निशान थे, शरीर पर बेल के कांटे लगे हुए थे। उनका यह भी आरोप है कि शव ठीक से परिवार वालों को देखने तक नहीं दिया गया और हड़बड़ी में दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद से ही मामले में अब राजनीति गर्मा रही है। मौके पर जब जांच पड़ताल की गई उससे ऐसा लग रहा था कि वो एक सुसाइड का केस है और मौके की जांच पड़ताल के बाद भी हम लोगों ने एक पैनल विशेषज्ञ पैनल से और वीडियो कैमरा के साथ दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है और उससे ये बात स्पष्ट हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है जो हमारे पास है, कि दोनों लड़कियों के द्वारा आत्महत्या की गई है। उनके बॉडी पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल मार्क ऑफ इंजरी या किसी तरह का किसी असॉल्ट का निशान नहीं है। हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है। निश्चित हत्या हुई है। हाँ, ये तो निश्चित है कि हत्या का आरोप इसलिए है, पहले लड़की 60 किलो की, एक 40 किलो की है, तो एक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है, मतलब जिसका वजन ज़्यादा है वो ऊपर है, जिसका कम है वो नीचे है। दूसरी बात, उसके पैर में चोट का निशान है, कांटे भी जब हम देखे हैं कांटे भी लगे थे और वहाँ पे मुझे दिखाया गया कि कोई भी चोट का निशान नहीं है। तो उसके डाउट पहले थोड़ा हमने मतलब इस हिसाब से भी बात लगा हुआ था, क्या नाम है, बेल्ट का कांटा, बेल्ट के निशान भी पड़े हुए अभी मैंने। पुलिस को सुना, साथ ही पीड़ित के पिता को सुना, दोनों के अपने अलग अलग दावे हैं। वहीं इस घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बीजेपी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। कमजोरों वंचितों के खिलाफ गंभीर से गंभीर घटनाओं में भी जिनकी प्राथमिकता न्याय नहीं अपराध छिपाना हो, उनसे कोई क्या ही उम्मीद करे। फरुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का ऐसा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर ये सब कब तक सहन किया जा सकता है? एक समाज के रूप में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार है और न्याय हर पीड़ित परिवार का हक।